सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुखेंद्र, आप देख रहे हैं खुशी पिक्सेल इंडिया। सो गाइस देखिए, आज मैं आप लोगों को दिखाएंगे नेमप्लेट कैसे यूज करते हैं और कैसे कस्टमाइज प्रोग्रामिंग बना सकते हैं अपने पिक्सेल के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों किसी को नेमप्लेट लेना है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके मेरे को मैसेज कीजिए। उसके लिए दोस्तों आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा मैसेज पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं पहले नेमप्ले को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए तो ये वाला जो ऑप्शन मिल जाएगा आपको, वहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेना है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो चलिए मैं न्यू पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, अपने पिक्सल को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं 50-40 करके दिखाऊंगा। चलिए मैं 40-50 कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने 50-40 कर लिया। दोस्तों देखिए, यह चाइनीज वर्सन, इसीलिए कोई भी लिखा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों यह है चाइनीज वर्सन। तो देखिए किस तरह का आपको यूज करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, इसका जो इंग्लिश वर्सन है वो उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए हम लोगों ने चाइनीज वर्सन ही यूज करता हूँ। जैसे ये है ओके का बटन, देख सकते हो, यहाँ पर आपको सिंपली पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद ओके कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस आपको खोल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कलर चूज कर लेना है, देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा कलर है, यहाँ पर आपको कलर चूज कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, मेरा रेड कलर चूज है। तो देखिए यह है इसका फिल का ऑप्शन। देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, देख सकते हो इसी तरह का, यह फिल का ऑप्शन। और दोस्तों देखिए, यह है लाइन का ऑप्शन। देखिए मैं दूसरा कोई कलर ले लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इसी तरह का यह लाइन का ऑप्शन। देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर लाइन हो रहा है, और ये जो ऑप्शन है देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर लाइन होगा, देख सकते हो इसी टाइप का। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है यह सारा का सारा इफेक्ट है, ठीक है। तो चलिए मैं कलर चूज कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ से कलर चूज नहीं करूँगा, मैं यहाँ से कलर चूज कर लेता हूँ। चलिए इसके पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से डिलीट कर लिया इसको। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कलर चूज करूँगा। तो इसके कलर चूज करने का आपको क्या करेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर लेना है। तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कलर सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, मेरा मैंने कुछ कूल फाइल तैयार करके रखा है, तो वही मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। तो आप लोगों को भी चाहिए तो मैं आप लोगों को भी जनरेट करूँगा वो कूल फाइल। देखिए दोस्तों, मैंने एक कूल फाइल को चूज कर लिया। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये है ओके का बटन, यहाँ पर सिंपली ओके कर लेता हूँ। और देखिए दोस्तों, ये है इसका इसका ओके का बटन, तो इसको भी आपको प्रेस कर लेना है। देखिए दोस्तों, ये कलर मेरा यहाँ पास आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, ये वाला जो ऑप्शन भी आपको मिलेगा यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। और देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट डाल लेना है। तो चलिए मैं पहले वाला इफेक्ट डाल लेता हूँ। इसके बाद देखिए, आपको कीबोर्ड पर ये को प्रेस कर रखना है। देखिए दोस्तों, इसी टाइप का आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, मैं डी प्रेस कर रहा हूँ। देखिए मैंने डी प्रेस कर रखा है, इसी तरह का इफेक्ट आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैं W प्रेस करूँगा। देखिए, और देखिए दोस्तों, मैं S प्रेस कर लिया। तो चलिए मैं दूसरा कोई इफेक्ट डाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने A प्रेस कर लिया, फिर G प्रेस कर लिया, W, S। तो चलिए मैं और भी दूसरा इफेक्ट डाल लेता हूँ। देखिए, मैंने ए प्रेस कर लिया, डी प्रेस कर लिया, W प्रेस कर लिया और S प्रेस कर लिया। देखिए दोस्तों, तो चलिए मैं और भी कोई इफेक्ट को डिलीट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये प्रेस कर लेता हूँ। देखिए, डी प्रेस कर लेता हूँ, W, S। तो चलिए मैं और भी कोई इफेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ।
देखिए ये प्रेस कर लिया, देखिए डी प्रेस कर लिया, डब्ल्यू एस। चलिए दोस्तों मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये प्रेस कर लिया, दोस्तों बहुत सारा इस तरह का इफेक्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो चलिए मैं ये वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए इसी तरह का। ये दोस्तों ये प्रेस करके रखा है मैंने, तो चलिए मैं डी प्रेस कर लेता हूँ, देखिए मैं डब्ल्यू प्रेस कर लेता हूँ, तो देखिए मैं इस प्रेस कर लेता हूँ, चलिए मैं भी वाला जो इफेक्ट है उसको मैं सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखिए तो मैंने ए प्रेस कर लेता हूँ, डब्ल्यू सॉरी डी, देखिए डब्ल्यू यस। इसी तरह का दोस्तों डिफरेंस डिफरेंस इफेक्ट आप आसानी से बना पाओगे यहाँ पर, कस्टमाइज इफेक्ट, और कस्टमाइज कलर भी आप यूज कर सकते हो आसानी से। देखिए दोस्तों कुछ भी इफेक्ट आपको गड़बड़ हो गया तो आपको उसके डिलीट करना है, तो कैसे करना है देखिए दोस्तों, इसका आपको उस जगह पर ले जाकर पोजीशन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों एक डिलीट का बटन है, इसका आपको इस तरह का प्रेस करते रहना है। देखिए दोस्तों एक एक करके गड़बड़ हुआ जो इफेक्ट वो डिलीट हो रहा है, देख सकते हो इस तरह का आपको डिलीट। कर लेना है। और दोस्तों देखिए इसके बाद आपको क्या, देखिए दोस्तों कुछ भी इफेक्ट गड़बड़ हुआ तो और भी कोई गड़बड़ हुआ तो यहाँ पर आपको देखिए अंडू का एक बटन है, इस यहाँ पर क्लिक करके आप अंडू भी कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको सेव कर लेना है। दोस्तों देखिए यह टूल फाइल जनरेट करता है, तो इसको सेव करने के आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हो ये वाला जो ऑप्शन है सेव वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपको लोकेशन चूज करने के बाद यहाँ पर आपको एक फाइल नाम दे देना है, चलिए मैं इसके बाद सेव कर लेना है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हो दोस्तों ये टूल फाइल मेरा पास आ चुका है डेस्कटॉप पर। चलिए मैं 2014 को ओपन कर लेता हूँ एलईडी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह का ये मेरा इफेक्ट बना हुआ है। तो देखिए इस तरह का 2014 को अपन ओपन कर लेना है एलईडी एडिट। इसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो इफेक्ट पर ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर जाके ओपन टूल फाइल को सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं वो टूल फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों इसी तरह का, चलिए इसको स्पीड को आपको बढ़ाना है या घटाना है दोस्तों, यहाँ पर कीबोर्ड के F6 बटन को प्रेस कीजिए तो आप इसका स्पीड बढ़ेगा, और F7 को प्रेस कीजिए तो इसका स्पीड घटेगा। सो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो जरूर वीडियो को लाइक कर दिया, दोस्तों शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नया विजिट किया तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए कि किसी तरह का हर वीडियो नोटिस मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।